हेलो कैचो 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 कौन जा रही है अरे मीटर देखना भाई मीटर हाँ चाहिए है क्या मीटर में कह रहा हूँ मैं हो गया थोड़ा थोड़ा आ रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है अरे मेरी तरफ को मेरी बाबा बस मनरेगा के तहत सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से जो जांच होनी थी दुर्भाग्य रहा आज का जो खंड विकास अधिकारी द्वारा वहां के जो जांच टीम द्वारा निरीक्षण में भेजे गए थे वो लोग इस भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। यहीं तक नहीं उन्होंने पड़ोस की पंचायत से कुछ असामाजिक तत्व तो बुलाकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की जो कि एक निंदनीय है और जांच को बाधित करा। मैं आपके माध्यम से उच्च स्तरीय जांच करवाने का आग्रह करना चाह रहा हूं और उन जो लोग वहां पे जांच को बाधित कर रहे थे उन लोगों को शख्स कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की अपील करें। पूर्व प्रधान पर जो है ये नरेगा के तहत जो पूर्व प्रधान पर नहीं है वर्तमान प्रधानपति पर जी वर्तमान प्रधानपति पर जो आपने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के कितने लगभग भ्रष्टाचार हुआ है ये लगभग दो योजना को मैंने इसमें चुना था जो कि 10 लाख रुपये का गड़बड़ झाला है जिसमें कि ब्लॉक के स्थानीय जेई और वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उन्होंने वहाँ पर जो भ्रष्टाचार करा है वो सामने दिखाई दे रहा है। राणा जी अभी एक सवाल है, आपने कहा कि इसमें जो जांच में लिप्त है अगर अभी इसमें इन लोग सही जांच नहीं करते तो आप क्या कार्रवाई करेंगे आगे? मैं इनकी जो जांच रिपोर्ट है मैं उसका इंतज़ार करूंगा, उसके बाद में उच्च स्तरीय कार्रवाई के लिए मैं संबंधित न्यायालय में भी जाना पड़ेगा, मैं वहां के लिए भी तैयार हूं। क्या इसके लिए आपकी जनता सहयोग कर रही है आपको इस चीज़ को लेकर? हाँ जनता के लिए ही तो ये किया जा रहा है सर, ये वहाँ के युवाओं के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हो। इससे तो ये साबित होता है कि ब्लॉक में बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार है जिसको कि आपके माध्यम से आप लोग सभी अच्छे से दिखाने का कष्ट करें, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। लगा रहा हूँ चक्राता और कालसी विकास खंड में भ्रष्टाचार जग जाहिर है और मुझे लगता है कि जौनसार बौर में जितने पत्थर नहीं हैं उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले हैं। हर साल हर कार्यकाल में नहर के ऊपर नहर चढ़ती है और खड़ंजे के ऊपर खड़ंजा चढ़ता है। एक एक नहर 50 बार बन चुकी है और एक एक खड़ंजा भी 50 बार उस पर पत्थर के ऊपर पत्थर दिखाई जाते हैं और कहीं तो बनता ही नहीं, कहीं कहीं तो ऐसा है कि जहां पर बिल्कुल भी काम नहीं होता है, कागजों पर काम होता है और पूरी योजना कागजों में दिखाई जाती है और पूरा जो बजट है वो हड़प लिया जाता है, उसमें आपस में बांट लिया जाता है। मैं वहाँ के स्थानीय नेताओं को जो वहाँ पर सक्रिय हैं आजकल फूल मालाओं पहनाने में, एक नेता दूसरे कार्यकर्ताओं को लेकर कहता है कि आज 50 इधर आए, दूसरा कहता है 50 उधर गए, तो वो 50 इधर ना उधर करके अगर भ्रष्टाचार के मामलों में देखें तो शायद विकास होगा। मालाओं पहनाने से एक दूसरे के आदमियों के ऊपर मालाओं डालने से जयमाला डालने से विकास नहीं होगा बल्कि भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। वहाँ की जनता को लगेगा कि हमारे नेता तो सिर्फ मालाओं पहनाने में व्यस्त हैं, मशगूल हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है वो सब जानते हैं। आने लेकिन वाला विधानसभा चुनाव सिर पर है बिल्कुल जनता के, तो ऐसे में भ्रष्टाचार भी अपनी चरम सीमा से पार कर चुका है, तो क्या आने वाले चुनाव में इसका जनता जो है जवाब देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मैं नई युवा पीढ़ी से खास करके उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार को 2-3 पीढ़ियों तक लगातार देखा है और उन्होंने देखा है कि जौनसार बौर बद से बदतर हालत में चला जा रहा है।
मुझे लगता है कि अंग्रेजों के ज़माने से भी ज़्यादा पीछे चला गया है। और जो आज वहाँ पर भ्रष्टाचार का जो पर्याय है जोनसार पावर, मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में लोगों को इतनी तकलीफ नहीं थी, इतना भ्रष्टाचार नहीं था। और मैं चाहता हूँ कि जो नई युवा पीढ़ी है उस बात को समझे कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो इस बात के उनके पास प्रमाण है। ऐसे में कहाँ तक आपकी कार्रवाई जाएगा जो है इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने की कार्रवाई नहीं होती उन लोगों पर? देखिए, विभाग की जो कार्रवाई, हमें उस पर बिल्कुल कतई भरोसा नहीं है। विभाग में तो चिट्ठियों का आदान प्रदान होता रहेगा, यहाँ से वहाँ घूमती रहेगी चिट्ठी, उससे कुछ होता नहीं है ना, वहाँ उससे कोई जाँच किसी उस एंड तक पहुँचेगी, किसी न्याय मिलने वाला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको हमें कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि हर मामला, जो भी मामला कोर्ट में जाता है वहाँ से कुछ ना कुछ न्याय मिलता है, उसका रिजल्ट निकलता है। डोवाल जी, लगातार चक्रातमा भ्रष्टाचार हो रहा है, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं सीधे तौर पर वहाँ के दोनों, चाहे भाजपा के नेता हों चाहे कांग्रेस के, दोनों ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दिया है और वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ता रहे, क्योंकि उनके जो इनकम का साधन है, जो उन्हें चुनाव में जो मोटी रकम चाहिए होती है दारू सप्लाई करने के लिए, शराब बांटने के लिए, और रातों रात जो ये खेल बिगाड़ते हैं आखिरी रात में, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए कलेक्शन एजेंट उनके कई काम कर रहे हैं जोनसार पावर के अंदर, और वो इसी ताक में हैं कि हम लोग जो है इस तरह से और एजेंट पालें, यहाँ पे जो नौजवान हैं वो शिक्षित ना हो, वो नौकरियों में ना मिले, उन्हें रोज़गार ना मिले, वो हमारे एजेंट बने रहें और हम उन्हें लॉलीपॉप दे दे करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करें और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। डोभाल जी, दूसरा सवाल है, आप जनता को, वहाँ की जनता को किस तरह इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाएंगे? देखिए, मुझे तो एक विश्वास है कि जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ भ्रष्टाचार की, चाहे जोनसार पावर हो या उत्तराखंड के उसमें मैं देख रहा हूँ पूरे, मुझे सिर्फ एक जगह विश्वास है, वो न्यायालय पर विश्वास है। मेरा हर मामला न्यायालय में जाएगा, अभी तो मैं स्वयं ही सक्षम हूँ, चाहे सड़कों का मामला हो। वैसे मैं आपको बता दूँ, फिलहाल मैं सड़क, स्वास्थ्य, जल और जंगल के लिए बचाने के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ा जो विकास हमारा जो रुक रहा है, गांव का जो विकास रुक रहा है, वो ब्लॉक स्तरीय जो भ्रष्टाचार है उसके कारण जो है गाँव हमारे पिछड़ते जा रहे हैं, गांव का बुरा हाल है। और सिर्फ चार लोग इनके जो एजेंट होते हैं, खास करके दो दो एजेंट होते हैं, वो आपस में जो है मनमानी करके अपना बांट लेते हैं पैसा, जिसको देना होता दे देते हैं, और इनको खुली छूट होती है कि अपने पास बुला लेते हैं, भैया ये बजट है, आपको जो करना है करो, हमें चुनाव के समय आपकी जिम्मेदारी है कि हमें वोट दें। और सिर्फ इनका जो है एक इनके साथ में ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के तहत वो काम करते हैं। इसलिए मेरा सीधा मानना यह है कि मैं हर मामला न्यायालय की शरण में जाऊँगा और कोर्ट से जो है मुझे बहुत उम्मीद है कि हर उसका रिजल्ट आएगा और मैं इसको हर मामले कोर्ट में लेके जाऊँगा।